तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो बायजूज झारखंड वुमेन्स T20 ट्रॉफी खेली जा रही है ना, इसका भाई आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का 6th मैच जो कि खेला जाएगा रांची रोजेस वुमेन वर्सेज धनबाद डेफोडिल्स वुमेन्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि भाई पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो ईजिली भाई आप इस मैच में काफी बड़ा जैकपॉट लगवाने वाले हो। ठीक है, अभी भाई पहला मैच ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है और भाई उसका जो मतलब हमारी टीम है ना वो भाई आप टेलीग्राम पर देख सकते हो जाकर, आपको मतलब पता लग जाएगा कि क्या हमारे रिजल्ट रहे, क्या कुछ रहा है। टीम मैंने अभी भी वहीं पर डाल रखी है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात भाई अभी हम जो भी बात करेंगे ना इस मैच को लेकर वो एज ए डेमो टीम करेंगे। ठीक है, फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, अब आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है, एक तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक आप वहां से ट्राई कर सकते हो, दूसरा भाई आपको जो ऊपर आप देख रहे हो यहां पर KPM003 आप इसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ कैसे ज्वाइन करोगे, देखो आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर @KPM003 और आप चैनल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें तो आप एवरेज यहां पर भाई एवरेज से पहले देखते हैं टाइमिंग, तो 12:30 पर भाई मैच खेला जाएगा और अब भाई 10:43 हो चुके हैं यानी कि अभी मैच स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट 1:40 है। जब आपको वीडियो मिलेगी ना तब ऑलमोस्ट 1:10 बचे होंगे, तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना वीडियो को कंप्लीट देख लेना और प्लीज यार लाइक करके देखना स्टार्ट करना, क्योंकि आपका एक एक लाइक है ना काफी ज्यादा मोटिवेट करता है मेरे को और ज्यादा मेहनत करके वीडियोज बनाने के लिए। ठीक है, आपके लाइक करने से ना मेरे को पैसा मिलता है ना आपकी जेब से पैसा जाता है, बस ये है कि एक बॉन्डिंग बनी रहती है भाइयों के बीच में, तो इसीलिए बोल रहा हूं प्लीज यार वीडियो को लाइक करना है ना। तो अब यहां पर बात करें इस सीजन के रिकॉर्ड्स की, तो भाई 4 मैच यहां पर खेले गए, 3 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते और भाई 1 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने। एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई 120 से 140 के बीच में आप एवरेज स्कोर मान सकते हो। पिच की अगर बात करें तो न्यूट्रल विकेट रहेगी, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली यहां पर हेल्प रहने वाली है। वहीं अगर वेदर की बात करें तो वेदर भाई बिल्कुल क्लियर रहेगा, बारिश के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल अगेन भाई सामने आ चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं बार बार बोल रहा हूं जाके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर मान लो आप लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, आपको लिंक नहीं मिल रहा, तो आप सीधा टेलीग्राम पर जाकर ये सर्च कर सकते हो @ बड़े अक्षरों में भाई KPM बिना स्पेस के 003 आप सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अभी अगर करंटली बात करें तो भाई 5.6K की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो भाई सिर्फ 5602 ही मतलब अभी हमारी 5602 लोगों की फैमिली है, तो हो सकता है भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, आपको 5.5 भी दिखाई दे जाए, तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा शौक नहीं होना, आपको मतलब सेम ही चैनल है यहाँ पर, आपको ज्वाइन हो जाना 5.6 या फिर 5.5 आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब चलिए भाई यहाँ से बात कर लेते हैं प्लेयर्स के स्टैट्स की। तो रांची रोजर्स की जो टीम है इन्होंने भाई 2 मैच खेले, दोनों मैच ही अपने विन करके आ रही है। जो इनकी कैप्टन है प्रियंका सवैया, इनकी अगर बात करें तो भाई 2 मैच में 2 विकेट 34 रन, गजब की प्लेयर है, 100% टीम में रहेगी रहेगी। अनामिका कुमारी की बात करें 2 मैच में 50 रन, विकेटलेस रही है। ईशा केसरी की बात करें 2 मैच में 38 रन, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी। अनंतिता किशोर की बात करें तो भाई 2 मैच में 1 विकेट और 55 रन भी बनाए। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर भाई जो दिव्यानी प्रसाद है 2 मैच में 4 रन और 2 विकेट निकाले। इसके अलावा भाई लक्ष्मी मुर्मू की बात करें तो 2 मैच में भाई यहाँ पर कुछ भी मतलब ना बैटिंग करने का मौका मिला, बॉलिंग भाई कुछ मिला नहीं इन्हें। ठीक है, इसके अलावा उर्मिला कुमारी की बात करें तो सेम भाई इन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं दी है। इसके अलावा पल्लवी कुमारी की बात करें तो 2 मैच में भाई 1 विकेट इन्होंने निकाला। सुनीता की बात करें तो भाई सुनीता कुमारी ने भाई यहाँ पर 2 मैच में 1 रन बनाया। इसके अलावा भाई जो अनिता तिग्गा है इन्होंने भाई 2 मैच में 3 विकेट निकाले। और इसके अलावा जो आरती कुमारी है जो लास्ट मैच खेल रही थी हमारी VC थी, इन्होंने भाई यहाँ पर 1 मैच में 2 विकेट निकाले हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात करें जो धनबाद की टीम है इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जया कुमारी है इनकी अगर बात करें तो भाई आप देख सकते हो 1 मैच में 35 रन बनाया। इन्होंने भाई 1 ही मैच खेला और ये भी अपना मैच जीत के आ रही है। ठीक है, पुष्पा महातो की बात करें तो भाई इन्होंने 13 रन बनाए। जो मोनिका मर्मू है इन्होंने भाई 37 रन बनाए और भाई 1 विकेट भी निकाला है। शांति कुमारी की बात करें तो भाई 1 मैच खेला था, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। आरती कुमारी ने 1 मैच में 1 विकेट निकाला। अंजलि दास की बात करें तो 1 मैच में 1 विकेट इन्होंने निकाला। नीचे अगर आप चलोगे तो यहाँ पर भाई 1 विकेट खुशबू कुमारी ने
ने भी निकाल रखा है। सुलेखा की बात करें तो एक मैच खेला, बैटिंग बॉलिंग कुछ खास करने को मिला नहीं। सेम भाई यहाँ पर श्रेयांशी श्रेया और नेहा कुमारी शो के साथ रहा, ठीक है। नीचे की मतलब यहाँ पर आपको अगर चार जो इनकी प्लेयर हैं इनकी अगर बात करें तो भाई इनको तो मतलब कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी देख लेना। वहीं अगर बात करें दोनों टीम से, अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं आपको मार्क करके बताऊँ तो ऊपर से भाई आप जया कुमारी, पुष्पा महतो और मोनिका मुर्मू, और यहाँ पर अगर बात करें तो आप ट्राई कर सकते हो अंजलि दास को, ठीक है। ये चार और आरती कुमारी को भाई आप जरूर से, मैं भूल गया था भाई, इन पांच खिलाड़ियों को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वही अगर बात करें इससे ऊपर रांची की टीम की, तो रांची की टीम भाई यहाँ पर प्रियंका सवैया आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, साथ ही सीबीसी की दावेदार रहेंगी। नीचे अगर आप आओगे तो अनामिका कुमारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ईशा केसरी और आनंदिता किशोर। नीचे अगर आप आओगे तो दिव्यानी प्रसाद, ये पांच प्लेयर आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगी। अब एक प्लेयर का टॉसअप आपको करना है नीचे भाई, यहाँ पर अनिता तिगा के रूप में लेके जाना है या फिर आरती कुमारी के बीच में लेके जाना है, ठीक है। या फिर आप वहां से चार प्लेयर लेकर या फिर से सात प्लेयर लेकर सात चार का रेशो भी बना के जा सकते हो। बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी अगर बात करें तो डेमो टीम मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूं, ठीक है। फाइनल टीम के लिए भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं पे मिलने वाली है। अब चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर टीम के बारे में। तो यहाँ पर भाई जया कुमारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, यहाँ से अगर बात करें तो अनिता कुमारी, अनामिका कुमारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, प्रियंका सवैया भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी। इसके अलावा भाई नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर भाई आपके लिए जो खुशबू कुमारी है ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, लास्ट मैच में एक विकेट निकाला तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। यहाँ से अगर बात करें तो एम मुर्मू को आप ट्राई कर सकते हो, मोनिका मुर्मू गजब की प्लेयर है। वही अगर बात करें आरती कुमारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो भाई अनिता किशोर लगातार दोनों मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देके आई है। नीचे आरती कुमारी की बात करें तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, दोनों की दोनों आरती कुमारी इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें ईशा केसरी की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी, हालांकि पिछले मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई लेकिन फिर भी भाई आप इसे ट्राई कर सकते हो। और वहीं अगर बात करें यहाँ से नीचे तो अंजलि दास को भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बाकी मैं यहाँ से अनिता तिगा और डी प्रसाद के साथ जा रहा हूँ, दिव्यानी प्रसाद के साथ। आप अगर चाहो तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, कहाँ पे गई भाई, यहाँ पर अंजलि दास को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए मैं जा रहा हूँ ईशा केसरी के साथ। तो सी बी सी की और बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भाई कैप्टन हमारी जो कहाँ पे गई भाई, कैप्टन हमारी जो रहेंगे वो भाई पी सवैया रहेगी। वीसी की अगर बात करें तो मैं मोनिका मुर्मू को ट्राई कर रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो आप ए किशोर को भी, आनंदिता किशोर को भी आप अपनी टीम में एज ए वीसी लेके जा सकते हो, ठीक है। बाकी टीम एक बार मैं सेव करके आपको फाइनल प्रिव्यू दिखा देता हूँ। तो टीम भाई कुछ इस प्रकार की रहेगी। बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट मैं करता हूँ तो उसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अभी के अभी जाइए, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर बाई चांस लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको भाई सिंपल सा ऐट रेट KPM003 जाके सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। मैं मिलता हूं भाई आपसे मैच टाइम पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।